नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल सेकेंड करेंगे फ्रिक्शन की. फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेटमेंट है, इफ द फोर्स विच एक्टिंग पैरेलल टू अ रफ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा टू द होरिजन. जो फोर्स लग रही है वो किस पे लग रही है, रफ प्लेन पे. वो पैरेलल लग रही है रफ प्लेन के. वो रफ प्लेन इंक्लिनेशन अल्फा टू होरिजन, मतलब अल्फा एंगल बना रहा है होरिजन के साथ, उस पर फोर्स कितनी लग रही है, मतलब पी फोर्स लग रही है, ठीक है, अलोंग द रफ प्लेन. इज जस्ट सफिशियंट टू ड्रॉ ए वेट अप बी एन टाइम्स द फोर्स. बाद में उस पर फोर्स जो लग रही है वो कितनी लग रही है, एन टाइम्स लग रही है फोर्स. पहले पी लग रही थी, अब बाद में एन टाइम्स फोर्स क्या होती है, एन टाइम पी लगेगी, क्योंकि फोर्स पी थी. बाद में उसको जस्ट सफिशियंट टू ड्रॉ ए वेट अप कितनी फोर्स लगेगी, एन टाइम्स फोर्स लगेगी. वी विल जस्ट बी ऑन द पॉइंटिंग ऑफ स्लाइड डाउन. और जिसमें क्या होगा कि वो बॉडी जो है किसकी तरफ मूव कर रही है, डाउन की तरफ जा रही है, पॉइंट स्लाइडिंग डाउन की तरफ जा रहा है, और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है. तो पहले पी फोर्स लग रही थी, बाद में एन टाइम पी फोर्स लगी, और बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, डाउन की तरफ मूव कर रही है, उसके ऊपर ड्रैग ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है. और शो करना है टेन अल्फा इज इक्वल म्यू एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन. देखो फिगर में ये मान लो बॉडी है, ठीक है, बॉडी क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, स्लाइड डाउन कहा हुआ स्टेटमेंट में कि स्लाइडिंग डाउन, और उसके ऑपोजिट फोर्स पी लग रही है ऊपर की तरफ. और जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही हो, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट तरफ होता है. फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू आर, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. रिएक्शन ऊपर की होगी, नॉर्मल रिएक्शन आर. वेट जो है डाउनवर्ड वर्टिकली एक्ट करेगा. और नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा अगर पीछे हम ड्रॉ करें, ये मान लो इंक्लिनेशन अल्फा है, तो ये भी कौन सा होगा, अल्फा एंगल होगा, ठीक है. तो अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं. देखो P प्लस म्यू आर, ये W है, इसको यहाँ अल्फा जिसके साथ बन रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा W cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा W sin अल्फा. तो क्या आएगा, P और म्यू आर सेम डायरेक्शन में, तो दोनों में प्लस का साइन. P प्लस म्यू आर किसके कुल आ जाएगा, W sin अल्फा के. इधर से R किसके कुल आ जाएगा, W cos अल्फा के. तो यहाँ से हम देखो P की वैल्यू ऊपर से निकालते हैं, कितनी आएगी, W sin अल्फा माइनस म्यू आर आएगी. R की वैल्यू W cos अल्फा हम यहाँ पुट करेंगे, यानी म्यू W cos अल्फा. W कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा, sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा. अब NP इज अ फोर्स एक्टिंग इंक्लाइंड विद जस्ट सफिशियंट टू ड्रॉ द बॉडी अप. पहले कौन सी फोर्स लग रही थी, P फोर्स लग रही थी जब बॉडी को ड्रॉ अप कर रहे थे. अब कौन सी कितनी फोर्स लग रही है, NP. पहले जब P फोर्स लग रही थी, बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर रही थी, ठीक है. अब बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. तो कौन सी फोर्स सफिशिएंट टू ड्रॉप, मतलब कितनी फोर्स है जब बॉडी को ड्रॉप करेंगे, यानी ऊपर की तरफ खींचेंगे, सिर्फ एनपी फोर्स. एनपी फोर्स है कि बॉडी किस तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ. एनपी मतलब एन टाइम्स पी फोर्स जो लगेगी, ज़्यादा टाइम फोर्स लगेगी, तब बॉडी किस तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी. सिंपल पी फोर्स में बॉडी स्लाइड नीचे की तरफ कर रही थी, ठीक है. अब क्योंकि पी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो जब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, सिंगल पी लग रही थी, तो बॉडी ऊपर नहीं आ रही थी, वो नीचे की तरफ ही स्लाइड कर रही थी. पर ज़्यादा फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, एन पी फोर्स लगाई विच जस्ट सफिशियंट टू ड्रा द बॉडी अप. इसमें बॉडी क्या करेगी, अप की तरफ मूव करेगी. जब बॉडी अप की तरफ मूव करेगी, तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो कौन सा होगा, म्यू आर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा. वेट डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन वैसी, अल्फा एंगल है यहाँ, वैसे ही रिजॉल्व होगा W cos अल्फा, और इस तरफ आएगा W sin अल्फा. अब रिजॉल्व करते हैं इसको अलोंग एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में. तो क्या आएगा यहाँ पर, NP किसके इक्वल आ गया, म्यू आर W sin अल्फा सेम डायरेक्शन में, तो म्यू आर प्लस W sin अल्फा, और R किसके इक्वल आ जाएगा, W cos अल्फा. तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. तो NP इज इक्वल टू माइनस का म्यू आर उधर भेज देते हैं, प्लस का म्यू आर. NP इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, W sin अल्फा प्लस म्यू आर, और R किसके इक्वल आ जाएगा, W cos अल्फा. पीछे हमने P की वैल्यू निकाली हुई, कितनी निकाली, W sin अल्फा माइनस क्यू म्यू cos अल्फा. हम यहाँ P की वैल्यू पुट करेंगे इस सेकेंड इक्वेशन में, तो N इंटू P की जगह रखेंगे W sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा माइनस म्यू R की जगह ये पुट करेंगे W cos अल्फा R की जगह, और यहाँ इज इक्वल टू W sin अल्फा. तो यहाँ पर देखो कि W जो है वो हमने कॉमन निकाल दिया है, यहाँ W और ये W, इस तरफ कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा, N, और N को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, N sin अल्फा माइनस N म्यू cos अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा. जो W कॉमन निकाला है उधर इस W के साथ कट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से देखो N माइनस वन, हमने sin अल्फा कॉमन निकालना है, तो sin अल्फा कॉमन किसके साथ निकलेगा, ये टर्म और ये टर्म. साइन अल्फा प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो साइन अल्फा कॉमन निकल जाएगा, अंदर एन माइनस वन रह जाएगा, और ये वाली टर्म दोनों उधर चले जाके प्लस की हो जाएंगी, माइनस एन म्यू कॉस अल्फा और माइनस म्यू कॉस अल्फा उधर आके प्लस की हो जाएगी. और कॉमन क्या निकल, एक तो म्यू और एक कॉस अल्फा, अंदर क्या रह जाएगा, एन प्लस वन, क्योंकि उधर आके टर्म प्लस की हो जानी है. तो यहाँ से साइन बाई कॉस, ये कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या बन गया, टेन अल्फा,
यानी टैन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा एन प्लस वन इंटू म्यू, और एन माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आगे डिवाइड में, तो एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू म्यू, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एग्जाम्पल थर्ड, टू रफ पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। टू रफ पार्टिकल्स पड़े हैं, ये वाले टू पार्टिकल्स हमने लेने हैं यहाँ पर, उसको कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, उन टू पार्टिकल्स को स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये स्ट्रिंग है। जब भी स्ट्रिंग की बात करती हो तो वहाँ टेंशन की बात होती है, वहाँ टेंशन फोर्स लगती है, जब भी स्ट्रिंग हो तो वहाँ टेंशन फोर्स लगती है। अब देखो ये स्ट्रिंग है, इसके साथ कनेक्टेड है, तो इस डायरेक्शन में इसकी टेंशन टी होगी फर्स्ट पार्टिकल की, और ये सेकेंड पार्टिकल है, इसकी स्ट्रिंग फर्स्ट पार्टिकल के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरफ जा रही है तो इस तरफ भी टेंशन टी होगी, यानी कि दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन टेंशन होगी, इसकी उस तरफ होगी टी और इस डायरेक्शन इसकी इस तरफ टेंशन टी होगी सेकंड पार्टिकल की, तो ये टी टेंशन है। तो उसके बाद ऑन ए रफ प्लेन इफ देयर वेट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर दिस, वेट्स है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, यानी फर्स्ट पार्टिकल का वेट डब्ल्यू वन है, सेकंड पार्टिकल का वेट डब्ल्यू टू है, एंड म्यू वन म्यू टू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू वन म्यू टू जो हम यहाँ यूज करते हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, और टेन अल्फा लाइज बिटवीन म्यू वन एंड म्यू टू, इसके बीच लाई करते हैं। शो दैट द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन फॉर इक्विलिब्रियम इज दिस, हमने इंक्लिनेशन प्रूव करना है, यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन क्या है, जो ये अल्फा हम यहाँ लेट करते हैं उस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो प्लेन का ओरिजिन के साथ एंकल बनता है वो हमने ये प्रूव करना है, अल्फा की वैल्यू ये प्रूव करनी है। अब देखो ये बॉडी, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आर वन होगी, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कौन सी होगी आर टू। अब बॉडी जो है डाउन की तरफ स्लाइड करेगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये नीचे की तरफ जाना है इसने। अब जब बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी, तो इस बॉडी की फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में म्यू वन आर वन होगा। तो म्यू वन क्यों यूज करें, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वन का है और नॉर्मल रिएक्शन आर वन है, तो म्यू वन आर वन। तो ये भी बॉडी नीचे की तरफ ही जा रही है, तो इसके भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी म्यू टू आर टू, तो ये डायग्राम होगी, ठीक है। तो हमें ये अल्फा जो है ना इंक्लिनेशन, ये हमने फाइंड करना है, तो इसका ये अल्फा है तो यहाँ पर भी क्या हो गया अल्फा होगा, ये अल्फा है तो यहाँ पर भी क्या होगा अल्फा होगा। तो हम रिजॉल्व करते हैं, W1 को इधर रिजॉल्व किया, यहाँ आ जाएगा W1 cos अल्फा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा W1 sin अल्फा। पहले फर्स्ट को बॉडी का रिजॉल्व करते हैं, फर्स्ट बॉडी में देखो कि अगर अलोंग द प्लेन रिजॉल्व करते हैं तो अलोंग द प्लेन टी टेंशन लग रही है, और क्या है म्यू वन आर वन है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन आएगा, और ये अलोंग द प्लेन डब्ल्यू वन साइन अल्फा भी है बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इज इक्वल टू के उस तरफ लिखेंगे हम, यानी टी वन प्लस म्यू आर वन इज इक्वल टू कितना आ गया डब्ल्यू साइन अल्फा, और आर वन वर्टिकल है, आर वन किसके इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू वन कॉस अल्फा, क्योंकि ये वर्टिकल है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो आर वन किसके इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू वन कॉस अल्फा, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो यहाँ से देखो टी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, डब्ल्यू वन साइन अल्फा ये प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, और आर वन की वैल्यू साथ में हमने पुट भी कर देनी है, म्यू वन आर वन की वैल्यू क्या रखेंगे डब्ल्यू वन कॉस अल्फा, ये टी की आ गई। अब वेट सेकंड की बात करते हैं, सेकंड बॉडी है तो सेकंड बॉडी में भी अब हम रिजॉल्व करते हैं लॉन्ग द प्लेन, लॉन्ग द प्लेन में देखो इस डायरेक्शन में टी है और इस डायरेक्शन में म्यू टू आर टू है, और अल्फा भी रिजॉल्व करते हैं, यहाँ क्या आएगा डब्ल्यू टू कॉस अल्फा, इस तरफ W2 cos अल्फा, और इस तरफ जिस तरफ T जा रही है उस तरफ ही आएगा W2 sin अल्फा, यानी T और W2 sin अल्फा की डायरेक्शन सेम है, तो T प्लस W2 sin अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा म्यू टू आर टू, क्योंकि T और W2 sin अल्फा की डायरेक्शन सेम है तो इस पे प्लस का साइन आ जाएगा, और इसके इक्वल आ जाएगा म्यू टू आर टू, इधर से आर टू किसके इक्वल आ जाएगा W2 cos अल्फा, यहाँ से आर टू की वैल्यू ऊपर पुट कर देनी है, यानी कि टी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर टू की जगह रखेंगे डब्ल्यू टू कॉस अल्फा, और ये प्लस की टर्म उधर आगे माइनस की हो जाएगी। अच्छा दोनों टी की वैल्यू आगे दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों टी की वैल्यू को, ये भी टी के इक्वल है ये भी टी के इक्वल है, तो किसके इक्वल आएंगे डब्ल्यू वन साइन अल्फा माइनस म्यू वन डब्ल्यू वन कॉस अल्फा, किसके इक्वल आ जाएगा म्यू टू डब्ल्यू टू कॉस अल्फा माइनस डब्ल्यू टू साइन अल्फा, हमने इसको इक्वल रख दिया। अब यहाँ से देखना साइन अल्फा कॉमन निकालना कि कहाँ निकल रहा है, एक फर्स्ट टर्म है कि ये वाली टर्म है, इसको इधर ले आएंगे इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू साइन अल्फा, साइन अल्फा हमने कॉमन निकाल दिया। अब ये माइनस की इसको हम उधर भेज देंगे, ये कॉस अल्फा कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या आ जाएगा म्यू वन डब्ल्यू वन प्लस म्यू टू डब्ल्यू टू, यहाँ से साइन कॉस डिवाइड में आ जाएगा, साइन बाय कॉस क्या बन गया टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन डब्ल्यू वन प्लस म्यू टू डब्ल्यू टू, और डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई हो रहा उधर आगे डिवाइड में, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई टेन इनवर्स म्यू वन डब्ल्यू वन प्लस म्यू टू डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, यही हमने प्रूव करना था इंक्लिनेशन, ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन अल्फा की वैल्यू ही हमने प्रूव करनी थी, आंसर आ गया इसका। ये जितने भी मैं सम करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट है ये वाले सम सारे,